हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद क्रिशन पर। बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं 50 मोर वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी इमेजेस के साथ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बार बार अलग अलग टाइप्स के एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर ले। वन हु इज सिंपल एंड ईजली बिलीव्स वट एवर इज टोल्ड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही इज सो क्रेडुलस दैट एनीबडी कैन बी फूल हिम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखते हैं सेकंड इज कैलस। कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई काइंड फीलिंग ना हो। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। एक कैलस पर्सन को दूसरों को दुख देने में बहुत आनंद आता है। देखते हैं आप अगला। थर्ड इज सेनेश्योर। सेनेश्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु। वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मान लो आपकी क्लास में एक राम नाम का लड़का है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। ओके, और इसी वजह से वो क्या है, एक क्लास का आकर्षण बिंदु बन गया। इट मीन्स राम हैज बिकम द सेनेश्योर ऑफ अवर क्लास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है जनसंहार। इट मीन्स किलिंग लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जलियांवाला वाला हत्याकांड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि पंजाब में हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था, जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवाई थी। तो वो क्या था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान एक साथ गई। सो वी कैन से दैट इट वॉज अ कार्नेज। ठीक है, अगला देखते हैं। फिफ्थ इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र या लोगों का शासन जहाँ हो। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब आप सभी को पता होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हमें सरकार को चुनने का या उन्हें हटाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। देखते हैं अब अगला। डेनिजन का मतलब होता है निवासी। निवासी मतलब जो जहाँ पे निवास करता हो। इट मीन्स अ पर्सन और एन एनिमल दैट ग्रोज और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पे आप टाइगर को देख सकते हो। टाइगर कहाँ निवास करता है, जंगल में। सो इट मीन्स वी कैन से टाइगर इज द डेनिजन ऑफ वुड्स और फॉरेस्ट। सेवंथ इज डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिसीजेज ऑफ स्किन। स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारियां जो हो उसको ठीक करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। एट्थ इज डेटेरियोरेट। डेटेरियोरेट का मतलब होता है स्थिति और बदतर होना। इट मीन्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ऐसी सिचुएशन हो जो और बद से बदतर होती चली जाए और ज़्यादा खराब हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं डेटेरियोरेट। देखते हैं अगला। नाइन्थ इज डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभाव, मतलब किसी चीज़ की कमी। इन इंग्लिश लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा बैगर्स को, बैगर्स के पास क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी नहीं होती हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो उस स्थिति को, उस कमी को हम क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूशन। ओके, टेंथ इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। इट मीन्स गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु यूजेस फोर्स टू सब्जुगेट द पीपल टू ओबे हिम। नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। वहाँ का तानाशाह कौन है, किम जोंग उन। ओके, डिक्टेटरशिप के अंदर होता क्या है, जो डिक्टेटर होता है वो लोगों को सब्जुगेट करके उन्हें दबाकर अपनी बातों को मनवाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। देखते हैं अगला। इलेवेंथ इज डोटेज। डोटेज का मतलब होता है बुढ़ापा या सठियापा। इट मीन्स एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ पर्सन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब क्या होता है, उसकी हरकतें जो हैं वो चाइल्डिश हो जाती है, बच्चों की तरह वो हरकतें करने लगते हैं, फुलिशली बिहेव करने लगते हैं समटाइम्स, तो उस एज को हम क्या बोलते हैं, डोटेज। ट्वेल्थ इज ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती तब क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
13th is delinquent. Delinquent का मतलब होता है एक ऐसा person जो बार बार छोटे छोटे अपराध करे, छोटे छोटे crimes को करे. One who commits minor crimes repeatedly. देखते हैं अगला. देखते हैं 14th, despondent. Despondent का मतलब होता है पूरी तरीके से निराश. एक ऐसा person जो बहुत ज़्यादा sad हो जाए, दुखी हो जाए. Extremely unhappy and discouraged. 15th is eavesdropper. Eavesdropper का मतलब होता है एक ऐसा person जो चुपके से दूसरों की बातें सुने. One who secretly listens to the talk of others. Image में देखो कैसे ये कान लगा के बातें सुन रहा है, तो इस person को हम क्या बोलेंगे? Eavesdropper. Let's move to the next. 16th is egoist. Egoist is a person who is a lover of one's own self. ऐसा इंसान जिसे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार हो, इसके अंदर मैं हो बहुत ज़्यादा. ऐसा पर्सन अहंकारी होता है और घमंडी होता है, और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं egoist. 17th is embezzlement. Embezzlement का मतलब होता है धोखाधड़ी या गबन. Stealing of money. जब पैसों के मामले में धोखाधड़ी की जाती है या पैसों की चोरी की जाती है, उसे हम बोलते हैं embezzlement. देखते हैं 18th. Epicure. Epicure का मतलब होता है a person who is fond of delicious food. एक ऐसा person जो अच्छा खाने का शौकीन हो. आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छा खाने का शौक होगा, तो ऐसे person को हम बोलते हैं epicure. 19th is epitaph. Epitaph का मतलब होता है कब्र पर लिखे हुए शब्द. Words written on one's tomb या grave. किसी की ग्रेव पर, किसी की कब्र पर उनकी मेमोरी में कुछ लिखा जाता है, और उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एपिटाफ. देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 20. एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर मीन्स स्पीच और अ प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. मतलब एक ऐसी स्पीच या एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें पहले से आपने कोई तैयारी ना करी हो. एट द मोमेंट जब आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़े या स्पीच देनी पड़े, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर. 21st इज इलेक्ट्रोक्यूट. बिजली का करंट लगकर मरना. टू डाई बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. जब किसी को बिजली का करंट लग जाता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूट. 22nd इज एंटोमोलॉजिस्ट. एंटोमोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े की जो स्टडी करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 23 इज फास्टिडियस. फास्टिडियस इज अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज. जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, ऐसा पर्सन छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालता है और नखरेबाज होता है. आप में से बहुत सारे लोगों को आपके स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में आपकी अचीवमेंट्स के लिए, आपकी उपलब्धि के लिए आपको फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट किया गया होगा, आपको कोई मेमेंटो दिया होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेलिसिटेट. 25th इज फिजिबल. फिजिबल का मतलब होता है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन. कोई ऐसा काम जिसे किया जा सकता है. देखते हैं अगला. 26th फैटलिस्ट. फैटलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो बिलीव करता है भाग्य पर. अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट. 27th इज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए. विच कैन बी ईजिली ब्रोकन. ये जो साइन ऑफ फ्रेजाइल का देख रहे हो, आपने कई बार किसी बॉक्स के ऊपर देखा होगा. जब बॉक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी हो जो ब्रेकेबल हो, तो उसके ऊपर ये साइन ज़रूर बना होता है और लिखा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर. देखते हैं 28th इज फ्यूजिटिव. फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा. अ मैन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ. एक ऐसा पर्सन जो क्राइम करने के बाद, गुनाह करने के बाद जस्टिस से और लॉ से, कानून से दूर भागता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूजिटिव. देखते हैं अगला. 29th इज फॉर्जरी. फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, काउंटरफिटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट. मान लो किसी का पासपोर्ट और उसने अपने नेम की, एड्रेस की गड़बड़ी इसमें करवा रखी है, ओके, और धोखाधड़ी उसमें कर रखी है, तो वो क्या कहलाएगी? जालसाजी, फॉर्जरी. देखते हैं अगला. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 30 इज गैरलस. गैरलस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बातों नहीं हो. वन हु टॉक्स टू मच. अगला देखते हैं. 31st इज जेनोसाइड. जेनोसाइड का मतलब होता है प्रजाति हत्या. मर्डर ऑफ अ क्लैन और अ सोसाइटी.
जब किसी पर्टिकुलर समुदाय के पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों की हत्या की जाती है उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे नाजी जर्मन पीपल ने बहुत सारे ज्यूज पीपल की हत्या करी थी, तो वो जेनोसाइड का एक एग्जाम्पल हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, मीन्स द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। सॉइल की और रॉक की स्टडी को हम जियोलॉजी बोलते हैं, और जो इनकी स्टडी करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 33 इज ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, एक ऐसा पर्सन जो बहुत खाए, वन हु ईट्स टू मच। अगला देखते हैं। 34th इज गुलीबल। गुलीबल होता है भोला वाला पर्सन, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जो कोई भी उसको आके आसानी से धोखा दे दे, जो बोले वो मान ले, तो उसे हम बोलेंगे गुलीबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 35th इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है हु थिंक्स गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, जिसे लगता है कि जीवन में सिर्फ सुख पाना ही सब कुछ है। ऐसे पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं सुखवादी, और इंग्लिश में बोलेंगे हेडोनिस्ट। 36th इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ फल फूल या प्लांट्स खाकर जिंदा रहते हैं, एन एनिमल दैट ईट्स ओनली ग्रास एंड अदर प्लांट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्निवोरस होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स खाते हैं, और जो ओमनीवोरस जानवर होते हैं ओमनीवोरस प्लांट्स और मांस दोनों खाते हैं। अगला देखते हैं। 37th इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, ऐसी चीज़ें जिनके एलिमेंट्स सेम हो, जिनका नेचर सेम हो, उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। 38th इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इज द अपोजिट ऑफ होमोजीनियस, इसका मतलब होता है विविध, मीन्स थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, ऐसी चीज़ें जिनके एलिमेंट्स और नेचर डिफरेंट हो। अगला देखते हैं। 39th इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान या बागवानी, स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को उगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। अगला देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 40 इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का दोस्तों मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता, इन इंग्लिश एनिमिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रियाक। दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियाक एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी सेहत की बहुत ज्यादा चिंता करता है। अपनी सेहत की ज्यादा चिंता करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियाक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 42nd इज हिपोक्रिट। हिपोक्रिट इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी गुड बट इज नॉट, एक ऐसा पर्सन जो डिसीवर हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, अच्छा होने का दिखावा करे, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं हिपोक्रिट। नेक्स्ट इज एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, विच कैन नॉट बी इजिली रेड। आपने देखा होगा डॉक्टर की हैंडराइटिंग बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, तो वो हैंडराइटिंग जो है वो क्या है, एलिजिबल, जिसको पढ़ना मुश्किल है। 44th इज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। हिंदी में हम इसे बोलेंगे रुधिर विज्ञान। अगला देखते हैं। 45th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है दृष्टिभ्रम, सीइंग समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। हेलुसिनेशन जब किसी पर्सन को होता है तब उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो उस समय उसके सामने प्रेजेंट नहीं होती। कई बार ज़्यादा ड्रग्स लेने से या ज़्यादा शराब वगैरह पीने से हेलुसिनेशन हो सकते हैं। 46th इज इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा पर्सन जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। अगला देखते हैं। 47th इज आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्तियों की जो पूजा की जाती है उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे, आइडोलेट्री। अगला देखते हैं। 48th इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी या अनजान, अनअवेयर ऑफ समथिंग, ऐसा पर्सन जो किसी बात से अनजान होता है, अज्ञानी होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इग्नोरेंट।
49th is inaccessible. Inaccessible का मतलब होता है अगम्य, that which cannot be approached or reached. ऐसी चीजें जिन पर हम ना पहुंच सकते हैं और ना ही हम उन्हें पा सकते हैं, उन्हें हम inaccessible बोलते हैं. For example, the sun. सन को हम ना तो पा सकते हैं और ना ही हम उस तक पहुंच सकते हैं, तो वो क्या हो गया, inaccessible हो गया हमारे लिए. देखते हैं आज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. ऐसी कोई चीज़ जिसे नहीं सुधारा जा सकता उसे हम इनकॉरिजिबल बोलते हैं, और इसका अपोजिट होता है कॉरिजिबल, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे सुधारा जा सकता है, समथिंग विच कैन बी करेक्टेड. इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहीं ख़त्म होता है. दोस्तों अगर आप चाहते हो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है. और अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें. For my upcoming videos, please subscribe to my channel and hit the bell icon. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ.